हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जावेद वाला ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मटन स्टू कैसे बनाते हैं। आप अपने घर के अंदर बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से घर में मटन स्टू बना सकते हैं। तो क्योंकि इसको बनाने में इतना कोई ख़ास तिकड़म नहीं लगता है जो आपको लोग बाग बताते हैं, और मैं देखिए आपको बिल्कुल घरेलू तरीका बताने वाला हूँ। कोई शेफ़ वाला तरीका नहीं बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको बहुत कठिन लगे, जिससे कि तो बस बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप गौर से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हम मटन स्टू कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 किलो मैं मटन ले लेता हूँ, और उसके बाद मैंने ये आधा किलो अपनी ओनियन ले ली है। फिर ये मैंने 1 चम्मच रेड चिली ली है, और आधा चम्मच मैंने इसमें टर्मरिक ली है, और सॉल्ट मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट सिर्फ मैंने कलर के लिए लिए हैं, ताकि हमारे स्टू का कलर अच्छा हो जाए। और ये मैंने 200 ग्राम इसके अंदर सिंग दाने का ऑयल ले लिया है। ये मेरा गरम मसाला है। 3 तेज़पात की पत्ती हैं, और 3 बड़ी इलायची हैं, 3-4 लौंग ली हैं मैंने इसके अंदर, और 4-5 काली मिर्च ली है। फिर ये मैंने 5 टमाटर ले लिए हैं। उसके बाद ये मैंने 15 हरी मिर्च ले ली हैं, और ये मैंने 250 ग्राम, आप देख भी सकते हैं ये मेरा 250 ग्राम का है। तो मैंने 250 ग्राम ये अपना दही ले ली है, जो कि मैंने फेंट ली है अच्छे से, और 4 चम्मच मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ये अपना 200 ग्राम जो ऑयल मैंने लिया था वो मैं डाल दूंगा। अब मैं अपना ये गरम मसाला घेर देता हूँ, और आप इतना ध्यान रखें जब तेल गरम हो जाए तभी गरम मसाला इसके अंदर डालें। अब मैं इसके अंदर अपना मटन डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने अपनी प्याज काटी थी वो हम इसके अंदर घेर देंगे, इसे अच्छे से पूरी प्याज इसके अंदर घेर देंगे हम अपने मटन में। और अभी मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल देता हूँ, और ये सब टमाटर भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं अपनी ये रेड चिली अब मैं अपनी ये ग्रीन चिली डाल देता हूँ, और ये जो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी डाल देता हूँ। फिर ये जो मेरा ये मसाले हैं मैं ये भी डाल देता हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डालूंगा चम्मच चलाने के बाद में, और फिर हम इसे बंद कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ये आधा गिलास अपना पानी डाल देता हूँ। अब मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, तो 4 सीटी जब तक इसमें नहीं लग जाती है तब तक हम इसे नहीं खोलेंगे। 4 सीटी लगने के बाद में हम इसको थोड़ा सिम पे कर देंगे थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे फिर खोलें। तो अब हम अपने कुकर को खोल लेंगे, और इसको हम ये देखिए ये हमारा ऐसा हो गया है। अब हम तेज़ आंच पे इसको क्या करेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे अपने गोश्त की। तो फिर हम इसको थोड़ी देर तक ऐसे इसमें चम्मच चलाएंगे, भुनाई इसकी होती रहेगी, फिर हम इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। आप ये देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसको तेज़ आँच पर इसकी भुनाई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इसकी स्टू की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, हमारी जो दही रह गई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके बाद में हम थोड़ी सी भुनाई इसकी और करेंगे, और फिर ये हमारा स्टू रेडी हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा चला लूँगा, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगा मैं थोड़ी सी और 10-15 मिनट के लिए। तो आप ये देखिए हमारा ये स्टू तैयार हो गया है। देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है, और ये खाने में भी बहुत जायकेदार होगा। तो बस आज के लिए इतना। तो जैसे कि आपने देखा, हमने आज अपना मटन स्टू बनाया, और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ भी गई होगी। जैसा जैसा मैंने आपको बताया है आप वैसे वैसे अगर आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी स्टू बहुत अच्छे से बन जाएगा। आप इसको कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम फैमिली के हिसाब से आप जैसा भी हो सके।
तो बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उस लाल वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, अच्छे से उसको दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।